हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल आरएनजी के। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5 का लेसन 12। इसका नाम है द सेवियर, यानी हमारे रक्षक। चलिए आइए अपन वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन 12 द सेवियर। क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। द स्वान वाज हिट बाई एन एरो। इसमें आप ऑप्शन बी राइट है, इस पर निशान लगाइए एन एरो। और यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिमांडेड हिज हंट। यहाँ पे आएगा देवदत्त। ऑप्शन ए देवदत्त डिमांडेड इज हट। क्वेश्चन नंबर 3, द स्वान फेल डाउन इन द पेपलेस गार्डन। स्वान कहाँ पे गिरा था? गार्डन में। क्वेश्चन नंबर 4, द पिलर फॉर बाईफेज। बाई फॉर पिलर क्या है? ऑप्शन सी पे राइट लगाइए, बाइब्स। सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज ए वर्ड, द अंडरलाइन वर्ड इज ए प्रोनाउन। इसमें ऑप्शन बी सही है। चलिए अपन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 6 में आएगा, किसिंग। दूसरे में आएगा थ्रोन। और 8th में आएगा टार्ट्स। और 9th में आएगा एडवर्ब। और 10th में आएगा सेवियर। इस तरीके से आपको ये रिक्त स्थान भरने हैं। अपन देखते हैं अगला वेरी शॉर्ट आंसर। वेयर वाज प्रिंस सिद्धार्थ वॉकिंग। आप लिखो वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। क्वेश्चन नंबर 12, राइट इज द फास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग। ब्रिंग की फास्ट फॉर्म लिखनी है, फास्ट फॉर्म ऑफ ब्रिंग इन ब्रोथ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट फेयर इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ। आप लोग ए स्वान फेयर इन फ्रंट ऑफ सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द एडवर्ब ऑफ द वर्ड ऐसे। ऐसे का एडवर्ब क्या होगा? इजी का ऐसे नहीं, इजी। इजी का इजीली। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिएचर। आप लिखो एन एनिमल स्पेशली नन वुमेन। क्वेश्चन नंबर 16 लिखिए, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू विथ द स्वान। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द अराउंड फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटल एंड क्लीन इट्स बाउंड। अब क्वेश्चन 17 देखिए, हु वाज देवदत्त। देवदत्त कौन था? आप लिखो ही सिद्धार्थ कजिन। सिद्धार्थ का कजिन था वो। 18 वाला देखो, वाई डिड देवदत्त बिकम एंग्री। आंसर में लिखो प्रिंस सिद्धार्थ रिफ्यूज टू गिव स्वान सो ही बिकम एंग्री। अब अपन देखेंगे लॉन्ग आंसर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। यहाँ पे एक आंसरिंग पैसेज दिया हुआ है 19 क्वेश्चन में। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका आंसर अपन को लिखना है। वेयर वाज द स्वान हिडन।
आप लिखो प्रिंस सिद्धार्थ एंड हिंट अंडर एज सीट, प्रिंस सिद्धार्थ एंड हिंट अंडर एज सीट। क्वेश्चन नंबर टू है डिड किंग सुधोदना गिव हिज जजमेंट इमीजिएटली। आप लिखो द सेवियर हैज ए ग्रेटर क्लेम और सब्जेक्ट देन द किलर। थर्ड वाला देखिए हु हैज ए ग्रेटर क्लेम अवर द स्वान। आप लिखो राजकुमार सिद्धार्थ। और फोर्थ वाला है फ्रॉम द पैसेज फाइंड एंड राइट द नाउन फॉर्म ऑफ सेव। सेव कब वैसे सेवियर। और पांचवा वाला राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ एनिमल। एनिमल का प्लूरल होगा एनिमल्स। इस तरीके से आपके पांचों क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया, आप देख सकते हैं। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ट्वेंटी क्वेश्चन में की चित्र दिखाई दे रहा है, इसके बारे में अपन को फाइव सेंटेंस लिखने हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। व्हाट इज द पिक्चर अबाउट। तो क्या ये द पिक्चर अबाउट इज ए जू, इसके जू की। नेम द एनिमल दैट आर इन द पिक्चर। पिक्चर में कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं, एलिफेंट लॉयन टाइगर बियर जिराफ ये सब है। थर्ड वाला है विच इज द बिगेस्ट एनिमल इन द पिक्चर। सबसे बड़ा एनिमल कौन है, एलिफेंट। और हु इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, द किंग लॉयन। आप लॉयन विच एनिमल हैज ए लॉन्ग ट्रंक, आप लिखो एलिफेंट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पार्ट 12 पूरा होता है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।